तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कल सुबह 10:28 पर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। डीएम के सांसद की टिप्पणी के खिलाफ हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। एमपी के राजस्थान छत्तीसगढ़ में शनिवार रविवार को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। 17 दिसंबर को INDIA अलायंस की बैठक में जाएंगे नीतीश कुमार। डीएम के सांसद के बयान पर बवाल, लोकसभा में बीजेपी सदस्यों ने लगाए माफी मांगो के नारे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब दुकानों में बने अवैध आहातों पर चला बुलडोजर। अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज से पुजारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। दिल्ली में रेवंत रेड्डी आज करेंगे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात। IAF ने चेन्नई में बाढ़ राहत कार्यों के लिए चेतक हेलीकॉप्टर किए तैनात। जयपुर में रची गई सुप्तेक सिंह घोंगा मेडी की हत्या की साजिश। दिल्ली में एक बार फिर जहरीली हवा, AQI बहुत खराब कैटेगरी में आया। हमास ने इजराइल पर हमला के दौरान महिलाओं के साथ किया रेप, बाइडन ने कहा। लखनऊ में आज मैनपुरी में शुभ सपा की रैली को संबोधित करेंगे ओम प्रकाश राजभर। दिग्विजय सिंह ने अब कामा रेड्डी के चुनाव नतीजे पर उठाए सवाल, पूछा क्या कुछ गड़बड़ी नहीं लगती। बाबा साहेब सामाजिक समर सत्ता के अमर पुरोधा थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट। गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे, इजरायली सेना का बयान। उत्तर प्रदेश के बागवत में शादी में खाना खाने के बाद दूल्हा समेत 15 लोगों की तबीयत हुई खराब। ज्वेलर से 1.6 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में सोना गलाने वाली 3 कंपनियों पर मामला दर्ज। वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर अमेरिका सख्त, इजरायली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। लंबोगिर्नी आज भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लेसिंग सुपर कार करेगी लॉन्च। होंडुरास में बस हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खुफिया इनपुट के बाद अयोध्या में आज हाई अलर्ट। मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट कराची डायवर्ट की गई। संसद में जेपी नड्डा से मिले प्रहलाद पटेल, तोमर, राज्यवर्धन और किरोड़ीलाल।